एक्सरसाइज 14.1 देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने क्या दे दिया, कॉपी द फिगर विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन इन्होंने ये दिया है नीचे दी गई हुई आकृतियों को प्रतिलिपियां बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन में एल पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, लेकिन करना क्या है इसमें हम बता देते हैं। जैसे देखिए एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में क्या दिए गए, दो सर्कल है छोटे छोटे, इनको क्या करना है अलग अलग करना है। देखिए एक ही में तो हम एक लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे रेखाएं क्या करेंगे खींचेंगे, यानी अलग अलग बांटेंगे इनको, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दो हैं, तो एक लाइन बीच से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये भी अलग अलग हो जाएंगे, हमें अलग अलग करना है, ठीक है। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए ए पार्ट में हमने फिगर बना रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे दो क्या है, एक बॉक्स में दो हमारे क्या है छोटे छोटे सर्कल, इनको क्या करना है अलग अलग करना है। तो हम रूलर की हेल्प से क्या करेंगे, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग हो गए, पहले एक में थे, अब हमने एक लाइन क्या किया ड्रॉ कर दिया, तो अब ये एक पार्ट में हो गया और ये भी एक पार्ट में अलग अलग हो गए, यही करना है और कुछ नहीं करना है। बी पार्ट में देखिए ये दो हमारे क्या है छोटे छोटे सर्कल है यानी गोला है, तो इनको भी अलग अलग करना है, कैसे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और ठीक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखिए ये बट गए ना दोनों अलग अलग, इनको ओनली क्या करना है बांटना है, अलग अलग करना है। देखिए अब ये एक पार्ट में हो गया जो छोटे वाले गोले हैं, और ये एक पार्ट में हो गया यानी अलग अलग हो गए। अब सेम इसमें देखिए, इसमें भी क्या है सी पार्ट में दो गोले हैं, तो इनको भी क्या करना है बांटना है, ऐसे तो बांट नहीं सकते क्योंकि ये एक साइड में हो जाएगा, अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया था अलग अलग करने के लिए, बस हो गया। देखिए अब देखिए डी पार्ट में इधर भी दो गोले हैं और इधर भी दो गोले हैं, तो हम क्या करेंगे बी से ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए हम बी से ही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, दो गोले एक बॉक्स में हो जाएंगे और दो गोले एक बॉक्स में, देखिए, ठीक है। देखिए ये दो गोले अलग एक बॉक्स में हो गए और ये दो गोले अलग एक बॉक्स में हो गए। अब देखिए ई पार्ट में, ई पार्ट में देखिए कोने कोने पे क्या है गोले हैं, चार गोले हैं, एक दो तीन चार, इनको भी अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हाफ हाफ कीजिए ऐसे, ठीक है, हाफ हाफ हमने किया, फिर इधर से हाफ हाफ कीजिए ऐसे, देखिए कुछ करना नहीं, ये क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास का ये क्वेश्चन है, ये कोई लेंथी क्वेश्चन तो है नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हमने एक एक बॉक्स में कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन पे ऐसे, देखिए ऐसे करेंगे क्योंकि ये एक लाइन पे हो रहे हैं सीधा, देखिए उसके बाद एक ऐसे करेंगे क्योंकि ये लाइन पे आएंगे सीधा, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए ए पार्ट में, ए पार्ट में एक यहां गोला है एक यहां है और एक बीच सेंटर में है, तो हमें क्या करना है अलग अलग करना है। तो अलग अलग देखिए ये तो पॉइंट वाला है, इन दोनों को अलग अलग करना है, कैसे करेंगे, ऐसे तो हम कर नहीं सकते, ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक पार्ट में हो जाएगा और ये वाला गोला एक पार्ट में होगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अलग हो गया और ये गोला अलग हो गया। अब देखिए जी पार्ट में, तो जी पार्ट में देखिए एक गोला इस साइड है और एक गोला इस साइड है, तो इसमें कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा कर देंगे स्ट्रेट ऐसे,
ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, इसको बांटना है। तो देखिए हम करते हैं अलग अलग ऐसे, ठीक है। देखिए एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया, अलग अलग हो गए। अब इसमें देखिए ये यहां पे है और एक इस साइड है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। चलिए ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, देखिए ठीक है। अलग अलग क्या करना है, बांटना है। जैसे एक ट्रायंगल में है दो गोले, तो हमें क्या करना है अलग अलग क्या करना है, बांटना है। देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन गए, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया, ठीक है। अब देखिए आई पार्ट में, तो आई पार्ट में हम ऐसे लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि कोई मतलब भी नहीं बनता है। हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे सीधा ही कर सकते हैं। तो ये तो एक ही लाइन पे आएगा, लाइन पे ही बनेगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे बना दीजिएगा क्योंकि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, दो, ठीक है। ऐसे बस हो गया। अब देखिए जे पार्ट में, तो जे पार्ट में एक इधर है और एक इधर है, हाफ हाफ करेंगे। ऐसे तो करेंगे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि एक साइड इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो हम ऐसे क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसमें जितने अंदर गोले दिए गए हैं ना छोटे छोटे, उनको वनली अलग अलग करना था, ठीक है। अब देखिए के पार्ट में, के पार्ट में सीधा सीधा है, एक यहां है और एक यहां है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, यानी लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अलग अलग करना है, तो देखिए ऐसे करेंगे, ये सीधे सीधे आएंगे अलग अलग, यानी लाइन पे ही आएंगे ऐसे, ठीक है। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे करेंगे, ठीक है। कुछ करना नहीं है, मैंने कहा है ना कि क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास का ये मैथ है, ठीक है। देखिए चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, यानी एल पार्ट, ठीक है। तो एल पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको भी अलग अलग बांटेंगे। तो एक सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसे, तो देखिए कर देते हैं इसको भी ऐसे, ठीक है। और एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखिए बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसमें कुछ करना नहीं था, ये जो हमारे छोटे छोटे गोले हैं एक बॉक्स के अंदर, इनको अलग अलग करना था और कुछ नहीं करना था, वो भी लाइन के द्वारा। तो हमने अलग अलग कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।